मैं इमरान खान से ये तोके नहीं रखता था कल जो उसने तकरीर की है। मेरे ख्यालात बड़े मीटिंग्स में बैठने या उससे मुलाकात में मुख्तलिफ थे। कल एक मैंने बदला हुआ इमरान खान देखा है जिसने कहा आओ बैठें, मामलात तय करें, मैं सबको माफ़ करता हूँ और इस मुल्क में इकट्ठा इलेक्शन कराएं। फजल रहमान साहब का फ्रंट मैन रिश्तेदार कह रहा है मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ही नहीं मिला और ये हुक्मनामे की जगह मुझे नज़र आता है कि उसको आर्टिकल 6 मिलेगा। मैं नहीं समझता था कि इमरान खान की कल की स्टेटमेंट, मैं समझता हूँ एक सियासी लीडर की स्टेटमेंट है कि वो दीवार से पीछे देख रहा है कि मुल्क तबाह होने जा रहा है, आए बैठें और इलेक्शन करवाएं और दोनों कराएं। मैं ये सोच नहीं रखता था इससे पहले। कल की उसकी तकरीर से मैं मुतासर हूँ। मैं इमरान खान से ये तोके नहीं रखता था कल जो उसने तकरीर की है। मेरे ख्यालात बड़े मीटिंग्स में बैठने या उससे मुलाकात में मुख्तलिफ थे। कल एक मैंने बदला हुआ इमरान खान देखा है जिसने कहा आओ बैठें, मामलात तय करें, मैं सबको माफ़ करता हूँ और इस मुल्क में इकट्ठा इलेक्शन कराएं। फजल रहमान साहब का फ्रंट मैन रिश्तेदार कह रहा है मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ही नहीं मिला और ये हुक्मनामे की जगह मुझे नज़र आता है कि उसको आर्टिकल 6 मिलेगा।